हाँ जी, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर तक हम ट्राइंगल्स के बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, ट्राइंगल के कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लेंगे, त्रिभुज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को मैं लेने वाला हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो होगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आयत और वर्ग। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, 6 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा 7th क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है 7th क्वेश्चन, ये बोलता है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं हैं 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई हमें बतानी है। अब हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या होते हैं, पाइथागोरियन त्रिक क्या होते हैं, देखे थे हमने। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको भुजाएं दे तो ये चेक करो कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो हो जाएंगे तो वो हमें पता है कि वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का हर चीज निकालना क्या होता है, इजीली। ठीक है, तो देखो अगर 18, 24, 30 की बात करूं तो ये किस चीज से कट रहे हैं, 6 से। कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये कितनी बार, 4 बार। ये कितनी बार, 5 बार। ध्यान दो, हमने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ा था 3, 4, 5। इसका मतलब ये 18, 24, 30 भी क्या है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेगी। तो बस कुछ नहीं है, अब तो ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। हमने केवल और केवल चेक किया कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो इसलिए हमने 6 से काट दिया क्योंकि सब 6 से कट रहे थे। 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30। और हम जानते हैं कि 3 4 5 हमेशा कैसा बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। अब हमसे क्या बोले, 24 सेंटीमीटर भुजा पर, ठीक है, डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई। तो 24 सेंटीमीटर वाली भुजा पर इस शीर्ष से यही तो लंब आ रहा है, हाँ कि ना? तो सिंपल आंसर देखते ही मिल गया मेरे को, कितना, 18 सेंटीमीटर। तो लल्लू सा क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप, क्या कि हमें समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी थी और हमसे बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर वाली भुजा पर शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। अब इस भुजा पे शीर्ष से लंब यही तो आ रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर कोई एक बिंदु है, उससे हम तीनों भुजाओं पर लंब डाल रहे हैं, उनकी लंबाई हमें दे रखी है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और हमसे पूछा है कि त्रिभुज की भुजा क्या होगी। कंसेप्ट देख लीजिए एक बार, अगर मैं बात करूं राइट समबाहु त्रिभुज की, तो ये मेरा समबाहु त्रिभुज, हाँ कि ना? मान ली मैंने भुजा क्या है, ए कोमा ए कोमा ए। अब ध्यान देना, वो बोला है मेरे को कि त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा से तीनों भुजाओं पे मैंने क्या किया, लंब डाल दिया। मान लिया ये पॉइंट है, ये लंब डाल रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्या है, लंब है सब, ठीक है, सबके सब लंब हो गए। अब देखो क्या किया मैंने, ये हमें पता चल गया ए कोमा ए कोमा ए तो क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज का भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, और हमको बोला है कि एक कोई बिंदु माना मैंने अंदर, उससे तीनों भुजाओं पे जो लंब डाला उसकी लेंथ मान ली एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो मान लीजिए ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अब हम जानते कि पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब √3/4 a²। लेकिन यदि मैं निकालू इस तरीके से, कौन से तरीके से, आधा हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो देखना क्या होगा। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का निकालू, प्लस इस ट्रायंगल का निकालू, देखिए दिस दिस दिस, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। यदि इन तीनों का मैं एरिया निकाल के जोड़ दूं और उसको बराबर कर दूं किसके, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो देखो बस क्या किया मैंने, हाफ गुणा, अगर ये वाले त्रिभुज की बात करूं तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, ए,
ऊंचाई क्या हो जाएगी x, प्लस इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो आधार क्या a, ऊंचाई क्या z, तो 1/2 गुणा a गुणा z, प्लस इस त्रिभुज की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा a गुणा y। और हमें पता है कि ये जो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, √3/4 ए स्क्वायर, हाँ कि ना। देखो 2 से 2 काट डाला, यही काट दे, 2 से ये 2 बार काट डाला। क्यों काट डाला, क्योंकि हाफ ए कॉमन लेता तो बचता एक्स प्लस जेड प्लस वाई, हाँ कि ना। सिमिलर वे में मैंने क्या किया, ऐसे एक ए काट डाला, बचा क्या देख लो, यहां पे यहां आएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई बराबर √3/2 ए। ध्यान से देखो, हमने जब समबाहु त्रिभुज पढ़ा था उसकी साइड हम ए मानते थे, उसकी भुजा ए मानते थे, तो √3/2 ए क्या होता था, उसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यही तो होती थी। तो बेसिकली ये क्या निकल के आया हमारे पास, हाइट, हाइट मींस ऊंचाई, और ये क्या है, जो उसने तीनों लंब डाले उन सबका योग, बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी समबाहु त्रिभुज की बात होगी ये ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल लिख के रख लीजिए कहीं भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए तो उन लंबों की लंबाइयों का योग उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। यदि मान लेता मैं h1 h2 h3 के बराबर, तो बेसिकली समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाती, h1 प्लस h2 प्लस h3। तो सिंपल सा याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए तो उन लंबों की लंबाइयों का योग उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है, याद रह जाएगी। चलिए अब पूछा क्या है हमसे उसकी बात करते हैं। हमसे पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी, ये आ गया हमारा। तो यहां से हमें क्या निकालना है, ए ही तो निकालना है क्योंकि त्रिभुज की भुजा पूछी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय √3। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, 2/√3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया, लेकिन आपको इसमें क्या याद रखना है, ये चीज, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है, याद रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, इस और प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा था, कई सारे जो ट्रायंगल के हमारे कंसेप्ट रह चुके हैं कंसेप्ट में, उनको क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन के रूप में देख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके लिए लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। आपका पुराना रिविजन हो रहा है, जितने हमने ट्रायंगल्स के बाकी लेक्चर्स देखे थे, और इसमें नए कॉन्सेप्ट भी जुड़ के आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन 9th वाला। हमें बोला है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो भुजाएं कैसी होगी, बराबर। देखना ये समकोण समद्विबाहु है, ये समकोण समद्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण। अब ध्यान देना, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कितनी है, 16√2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका मतलब मुझे ऊंचाई भी पता होनी चाहिए और मुझे क्या पता होना चाहिए, आधार। ध्यान दो, अब समकोण समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर। लेट सपोज मैंने मान लिया ये भी एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्स। अब समकोण त्रिभुज है तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाँ कि ना। यहां से क्या आ जाएगा, 16 × 16 × 2 बराबर 2x स्क्वायर, हाँ कि ना। 2 से 2 काट डाला तो x स्क्वायर बराबर क्या आया, 16 × 16, तो x बराबर कितना आ गया, 16। ये चीज क्लियर है, x बराबर 16 कैसा है। अब x बराबर 16 आ गया तो ये भी हमारा 16 और ये भी हमारा 16। हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुणा आधार, कितना, 16। ऊंचाई कितनी, 16।
दो से 16 काटा 8 बार, देखो कितना आ जाएगा, 8 दहाई का 80, 8 छक्के 48, तो आंसर आ जाएगा 148। हमें किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो आंसर आ जाएगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार वो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, 16 8 6 8 48 का 8 हंसी लगी 4, 1 8 8 और 4 12, 128 आएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 16 × 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ध्यान देना, इसके अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, ध्यान दीजिए यह जो शॉर्ट ट्रिक है वो लगती है केवल समकोण समद्विबाहु में। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये क्या हो गया, इसकी क्षेत्रफल हो जाता है। ये है हुई हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब कर्ण क्या था, 16√2, तो देखो 16√2 का होल स्क्वायर बटा 4, सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 16 × 16 × 2 / 4, 2 से 2 2 से 8, 16 8 128 आ गया। अब अगर मेरे दिल की बात करूं तो आपको ये कोई फॉर्मूला बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मेथड जो है, हमारा एक्चुअल मेथड, उसमें कुछ इतना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। और आपको जब एग्जाम होती तो आपकी याद करने की बहुत सारी चीजें होती, तो आप जितनी ज्यादा चीजें हमें कम याद रखनी पड़े मैथ्स में उतनी कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई है होशियार, याद करना चाहे, बिल्कुल कर सकता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में हमें क्षेत्रफल निकालना है डायरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, आंसर वही आएगा। क्लियर है, वरना हमारा सिंपल सा मेथड। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए आप एक बार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं क्या 3, 4, 5। अब ध्यान दो, 3, 4, 5 आते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स, पाइथागोरियन त्रिक है। इसका मतलब कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो देखिए दसवां क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमें दे रखी 3, 4, 5। उसने केवल त्रिभुज बोला था, लेकिन जैसे ही 3, 4, 5 दिया, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बात चली गई अपने आप कि ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। हमसे पूछा है कि इसके अंदर बन सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का परिमाप बताओ। तो ध्यान देना, जब भी समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो जो सबसे बड़ा वर्ग बनता है, अब इस क्वेश्चन को मेथड से आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेथड बहुत ही लेंथी है, मतलब 10 मिनट आराम से आपको लग जाएंगे। और हम दे रहे हैं कंपटीशन, हम जो जिस जमाने में है वो है कंपटीशन का जमाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वहां पे आपको ज्यादा टाइम मिलता है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको ट्रिक पता होगी। अभी जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला कि आप ट्रिक बिल्कुल याद नहीं करें तो ज्यादा बेटर, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप ट्रिक याद करें तो ही बेटर है, सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है ट्रिक याद करना। ठीक है, तो देखिए जब भी समकोण त्रिभुज की बात आए, समकोण त्रिभुज में मुझे सबसे बड़े वर्ग की बात करें, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े वर्ग की बात करें, और उसकी यदि मैं भुजा फाइंड आउट कर लूं तो मैं कुछ भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ध्यान देना, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वर्ग होता है, सबसे बड़ा वर्ग की जो भुजा होती है, उसका फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक क्या है, आधार गुणा ऊंचाई डिवाइडेड बाय आधार प्लस ऊंचाई। यह आपको बिल्कुल याद रखना है, MTR, मारो टोटल रट्टा। तो सबसे बड़े जो वर्ग बनेगा इस समकोण त्रिभुज में, उसकी भुजा क्या आ जाएगी, आधार गुणा ऊंचाई डिवाइडेड बाय आधार प्लस ऊंचाई। तो इस भुजा आ गई हमारी 3 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 4 12/7। हाँ कि ना, और यह भुजा आ गई तो मुझसे कुछ भी पूछे, चाहे वो क्षेत्रफल पूछे चाहे वो परिमाप पूछे, मैं निकाल सकता हूं। तो हमसे पूछा कि सबसे बड़े वर्ग का परिमाप बताओ। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 12/7, 12 × 48/7 परिमाप है। और हमें भुजाएं किसमें दी हुई है, उसने सेंटीमीटर में, तो ये आंसर भी आ जाएगा 48/7
सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा सुन लीजिए। जब भी समकोण त्रिभुज की बात आए, समकोण त्रिभुज में मुझे सबसे बड़े वर्ग की बात करे और उसकी मैं भुजा निकाल लूं तो कुछ भी निकाल सकता हूं। तो ध्यान देना, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़े वर्ग की भुजा निकालने का जो फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, वो है आधार गुणा ऊंचाई डिवाइडेड बाय आधार प्लस ऊंचाई। इससे मैं भुजा निकाल लूंगा, भुजा निकल गई तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है समबाहु त्रिभुज। देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या बना देंगे, एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया। यहां पे क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज का जो नाम है वो है ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी, इसकी भुजाएं कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि जो बीसी भुजाएं, इसको मैं तीन बराबर भागों में विभाजित कर रहा हूं और जो बिंदु लिखने हैं वो है डी कोमा ई। तो देखना, तीन बराबर भाग कर दिए, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया डी, ये हो गया ई, और मुझसे क्या पूछा है एडी की लंबाई। मतलब जो मुझे निकालना है वो है एडी की लंबाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान देना, ये सबसे पहले कितनी थी, 10 थी। क्यों थी 10? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब हमने तीन बराबर भागों में बांटा तो ये भी कितनी हो गई 10/3, ये भी कितनी हो गई 10/3, ये भी कितनी हो गई 10/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालू एक लंब, तो वो भुजा को दो समान बराबर भागों में विभाजित करता है। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखा था कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित, अगर मैं यहां से इस पे लंब डाल दूं तो वो दो समान बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो देखना, ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, ऐसे यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला। इसका मतलब ये बराबर और ये बराबर होगा, हां कि ना? तो देखो, ये 10/3, ये 10/3, ये 10/3, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 5/3, और ये भी हो जाएगा हमारा 5/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने आधा आधा कर दिया। यहां तक क्लियर है? ये टोटल 10/3 था, इसका आधा आधा कर दिया, 5/3 5/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, एडी की लंबाई। ये जो था, ये जो हमने बनाया, ये लंब बनाया, ये बेसिकली समबाहु त्रिभुज में किसका काम कर रहा है, ऊंचाई का। तो यहां से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं ऊंचाई, और ऊंचाई हम जानते हैं कितनी होती है समबाहु त्रिभुज में, √3/2 times of a। तो √3/2, a कितना है यहां पे 10, तो आता 5√3। ये क्या आ गई हमारे पास, ऊंचाई किसकी, इस समबाहु त्रिभुज की, मतलब ये वाली लेंथ आ गई, हाँ कि ना? ये लेंथ हमें पता है 5/3, तो ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि ये क्या है बेसिकली, अगर इसकी बात करो तो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, ये बेस, और ये क्या हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 5/3 का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब लंब क्या है यहां पे, ये तो देखो 5√3 का होल स्क्वायर। एडी का स्क्वायर बराबर यहां से आएगा 25/9, यहां से आएगा 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 × 3 कितना 75। देखो यहां से आ जाएगा 25 प्लस 75 × 9 को हमें फटाफट से सोल्व करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैं 70 × 9 कर लूं, फिर कर दूं 5 × 9, हाँ कि ना? 9 × 70 कितना 63, 10 लगा देंगे तो 630 प्लस 45 आ जाएगा सिंपल, तो 675 आया ये। क्यों क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, 9 LCM लूंगा तो यहां पे 25 + 1 से करूंगा तो 9 × 75 कितना आया था हमारा 675, यही तो आया। तो पूरा हमारा आंसर आ गया 700/9, लेकिन क्या आया ये एडी का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है एडी, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एडी का स्क्वायर बराबर 7 × 100/9, ऐसे लिख सकता हूं।
तो एडी क्या हो जाएगा, रूट सेवन इंटू रूट हंड्रेड बटा रूट नाइन। रूट नाइन कितना होता है, तीन, हाँ कि ना। रूट हंड्रेड कितना होता है, टेन। तो आंसर आ गया टेन रूट सेवन बाय थ्री। जो भी यूनिट दे रखी थी सेंटीमीटर मीटर वो हम चेप देंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया टेन रूट सेवन बाय थ्री, सिंपल। अब ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक इसकी हम बना सकते हैं, यदि जब भी समबाहु त्रिभुज हो, ऐसा क्वेश्चन हो कि दो समान बराबर भागों में विभाजित कर दिया और हमसे एक लेंथ पूछे, पैटर्न आप याद कर लीजिए, तो आंसर होता है हमेशा रूट सेवन बाय थ्री गुणा उस समबाहु त्रिभुज की क्या, भुजा। यदि मैं यहां पे 20-20 सेंटीमीटर कर देता तो आंसर आता रूट सेवन बाय थ्री इंटू 20। तो आप ये पैटर्न याद कर सकते हैं, वरना मेथड तो है, ठीक है। तो ये आरपीएससी क्या करती है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछ लेती है। तो आपको इनकी अगर ट्रिक याद करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रिक से आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, वरना आपके 2 मिनट तो लग ही जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करिए। हमको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कौन सा क्वेश्चन है, 12 नंबर का 5-स्टार क्वेश्चन, बिल्कुल याद कर लीजिए। अभी के अभी जब भी हमें त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हो, माध्यिकाएं क्या होती थी, शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती थी, तो उसे मैं बोल देता था माध्यिका। ये बात क्लियर, चलिए। अब हमको देखना है कि त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं की हमें क्या दे रखी, लंबाई, मतलब माध्यिकाओं की लंबाई पता है और उससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी मुझे माध्यिकाएं पता होगी, माध्यिकाएं पता हो और हमें क्या करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखना इसमें जो माध्यिकाओं की लंबाई है वो है 6, 8, 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दो, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि जब भी हमें माध्यिकाएं पता है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3। तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं और माध्यिकाओं की लेंथ कितनी पता है यहां पे, 6, 8, 10। याद करिए 6, 8, 10 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स। पाइथागोरियन ट्रिपल्स होगा तो मैं सिंपल क्या बना दूंगा, एक समकोण त्रिभुज। बस अब तो फटाफट और फटाफट हो जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 6, 8, 10। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं कितना आएगा, 1/2 × 6 × 8, 2 से 3 बार 8 = 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया मेरे पास, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या कर दूंगा, 24 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3 से, 3 × 8 = 24 और 8 × 6 = 32। तो आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर आया, बेसिकली कंसेप्ट नहीं बताया मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक बताई, क्योंकि आप कंसेप्ट तो इसका यूट्यूब पे आपको हर जगह अवेलेबल है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताता। और ये शॉर्ट ट्रिक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इसका कंसेप्ट देखेंगे तो वो 5 मिनट आपका खा जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका इतना टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे रहे हैं तो आपको कुछ प्रोफाइल्स तो याद रखनी होगी, जिसमें एक प्रोफाइल ये है क्या कि समबाहु त्रिभुज में यदि हमें माध्यिकाएं पता हो और उससे, सॉरी, किसी भी त्रिभुज में हमें माध्यिकाएं पता हो और हमें क्या पता करना हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं सिंपल करूंगा कि माध्यिकाओं की लेंथ से एक ट्रायंगल फॉर्म करूंगा, उसका एरिया निकालूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3 से। तो जो 4/3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है 13 क्वेश्चन, कि एक ट्रायंगल है
उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 6, 8, 10 भुजाएं दी है, इसका मतलब ये कैसा है, समकोण त्रिभुज। ये 6, ये 8, ये 10, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होता तो कितना आता, हाफ गुणा 6 गुणा 8, मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो ये आ जाता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आता, लेकिन हमें बोला है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। हम जानते हैं क्या, मैंने आपको बताया कि जब भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो टोटल कितने त्रिभुज बन जाते हैं, 1, 2, 3, 4, और सबका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका, ये चारों कैसे हो जाएंगे बराबर। और किसी एक का निकालना हो तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूं, 4। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब 1/4 × 24, इसका मतलब आ गया आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर है वो हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था लॉलीपॉप, ये आपको मैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कंसेप्ट बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन त्रिभुज का, इसके बाद हम देखेंगे आयत और वर्ग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ये क्या बोल रहा है 14th क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सिंपल है वैसे, कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसके प्रत्येक भुजा को मैंने क्या किया, 2 इकाई से बढ़ा दिया, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3+√3 इकाई से बढ़ जाता है। ध्यान दो, एक सबसे पहले एक त्रिभुज था, उसके बाद एक त्रिभुज आया, उसको क्या किया मैंने, उसकी प्रत्येक भुजा को मैंने 2 इकाई से बढ़ा दिया। देखो मान लिया इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है x, तो ये भी x और ये भी x। अब क्या किया मैंने, इन भुजाओं को +2 से बढ़ा दिया, इसका मतलब +2 इकाई बढ़ा दिया, तो ये भी x+2, ये भी x+2, ये भी x+2, ये चीज क्लियर है। अब ध्यान दो, यदि ऐसा कर देता हूं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है कितना, 3+√3 वर्ग इकाई। हमसे पूछा है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ध्यान देना, ऑब्वियसली क्या, अरे यार जितनी बड़ी साइड, ऐसा त्रिभुज है मान लीजिए, यहां मान के चलिए बेस है, ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अगर मैं बना लूं मान लीजिए ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी भुजा उतना ज्यादा क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा, तो यदि इसमें से इसको घटा दूं तो जो बड़ी हुई राशि है वही तो होगी, हाँ कि ना। तो देखो सिंपल सा, यदि इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, √3/4a² होता है। अब यहां पे a क्या है, x+2 का होल स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल की बात करूं क्या हो जाएगा, √3/4x². हमें बोला है कि इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को +2 से बढ़ा दिया तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है 3+√3 इकाई वर्ग इकाई से। इसका मतलब दिस माइनस दिस बराबर कितना, 3+√3। सिंपल क्वेश्चन खत्म। तो √3/4x+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4x² बराबर कितना, 3+√3। सोल्व करना है, आंसर पाना है। देखो यहां से हमने क्या किया, √3/4 को कॉमन ले लिया, √3/4 को कॉमन लिया, ये क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, लिख लीजिएगा, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और एक होता है a-b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो देखो ये क्या बना, a+b, a की जगह x, b की जगह 2, तो देखो a² + b² 2 का स्क्वायर 4, +2ab, 2 × x × 2 4x, हाँ कि ना, माइनस क्या आ जाएगा, हमने √3/4 तो कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा माइनस का x², हाँ कि ना, यहां चल रहा है 3+√3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या किया, इधर कर दिया, यहां से x² से x² कट गया, तो यहां आया 4+4x बराबर, ये क्या हो जाएगा, 4 × 3+√3 / √3। अरे दूसरी साइड में जाते हैं तो ये उल्टे हो जाते हैं, तो 4/√3। अब ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता था, यहां से 4+4x बराबर, यहां से मैं √3 कॉमन ले लूं तो देखना क्या आएगा, 4 × √3
रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री काट डाला, क्या आएगा देखना यहां से हमारा बचेगा 4 प्लस 4x बराबर 4 इंटू रूट थ्री प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब तो क्लियर सिंपल। 4x बराबर हो जाएगा 4 रूट थ्री प्लस 4, इस 4 को इधर ले गया माइनस 4, ये काट डाला तो x बराबर कितना आ गया रूट थ्री। हमसे क्या पूछा है प्रत्येक भुजा ज्ञात करें, तो आंसर क्या आ जाएगा प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, हमने x ही मानी थी और x आ गया रूट थ्री, तो आंसर आ जाएगा रूट थ्री इकाई, रूट थ्री सेंटीमीटर, रूट थ्री मीटर, रूट थ्री डेसीमीटर, जिसमें भी हमें यूनिट दे रखी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, आज हमारा जो लेक्चर खत्म हो गया वो है ट्रायंगल से रिलेटेड। तो हमने अभी आज तक मिला के 6 लेक्चर देखे मेंसुरेशन में, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देखा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बेसिकली 6 के 6 लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके उन्हें कभी भी वॉच कर सकते हैं। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करने वाले, आयत और वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर की सीरीज चालू करने वाले। ये भी आपके मेंसुरेशन 2D का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसी लेक्चर से हम, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से ही इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन के साथ उसे शुरू कर देंगे। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर का है आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल, उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेंसुरेशन की वीडियोस पसंद आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।